हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट फंडा। तो गाइस, कभी आपने सोचा है कि हमारे हाथों में ये जो लकीरें होती हैं वो क्यों होती हैं? क्या सच में हम इससे अपना भविष्य देख सकते हैं? अगर हम यूट्यूब पर सिर्फ इतना सर्च करते हैं तो हमें ढेर सारी वीडियो मिलती हैं। सिर्फ 5% लोगों के हाथ में होती हैं ये लकीरें। वो और ये भाई, तो आपकी शादी कैसे होगी, किस जीवन साथी के साथ होगी, ये भी बता देते हैं। ये जो है एक आशंका होती है, ये कन्फर्म नहीं होता कतई। नहीं, शायद ये खुद भी कन्फ्यूज है। खैर, और आगे क्या बात है, हाथों की लकीरों से नौकरी भी देखी जा सकती है। खैर, इनकी बात को छोड़ते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाथों की लकीरों के बारे में तो हमें ढेर सारी वीडियो मिलती हैं, पर इनमें से किसी ने भी ये नहीं बताया कि आखिर ये लकीरें हाथों में क्यों पड़ती है। दरअसल इसका सिंपल सा फैक्ट है, हाथों का लचीलापन। हमारे हथेलियों की रेखाओं को साइंटिफिक रूप से पामर फ्लेक्शन क्रीसिस के नाम से जाना जाता है, और वे हमें हाथों की त्वचा को बिना किसी खिंचाव के काम करने में मदद करती है। क्योंकि हाथों में जो लकीरें हैं उनमें से ज्यादातर गट लकीरें आपके हड्डियों के जॉइंट्स पर होगी, जिससे आप अपने हाथों का मूवमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये रेखाएं गर्भधारण के 12वें सप्ताह के आसपास, जब शिशु गर्भ में रहता है तब ये रेखाएं बनने लगती हैं। हम सभी इन हथेलियों की रेखाओं के साथ ही पैदा हुए हैं। उनका प्राथमिक कार्य केवल हथेली की त्वचा को बिना दर्द के मुट्ठी बनाने और हाथ चलाने में मदद करना है। हमारा हाथ निर्विवाद रूप से शरीर के सबसे कठिन काम करने वाले अंगों में से एक है। आप अपने रोज बरोज के किए जाने वाले काम के बारे में सोचो। आप दिन में कितनी बार हाथ चलाते हो? ऐसे में अगर आपका हाथ फ्लैट हो तो क्या होता है? हाथों को मोड़ने में यकीनन काफी मुश्किल ही होती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने हाथों के पीछे की जो त्वचा है इसे इस तरह फोल्ड करने की कोशिश करो, और अब आगे की त्वचा पर ये ट्राई करो। क्या महसूस हुआ? ये जो लकीरें हैं ना, वो जॉइंट की तरह काम करती हैं। अगर हमारे हाथों में लकीरें नहीं होती तो हमें बहुत सारा दर्द सहना पड़ता, और आज जितनी तेजी से हम हाथ चला पाते हैं शायद ऐसा नहीं चला पाते। बाकी तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, ये तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस पर यकीन करना है। याद रखना दोस्तों, हमारी किस्मत हमारे हाथों में है, हमारी लकीरों में नहीं। जिनको खुद को पता नहीं कि उनके साथ अगले क्षण क्या होने वाला है, वो आपका भविष्य क्या बताएंगे। ये लोग सिर्फ हमको डरा कर पैसे इकट्ठा करते हैं, बोल देंगे आपका मृत्यु का योग बन रहा है, इस योग को उतारने के लिए आपको ये खरीदना पड़ेगा, वो दान करना पड़ेगा, शनि का साया है, मंगल का परछाया है। अरे भाई, अगर आप ये सब कर सकते हो तो बॉर्डर पर हमारे कई जवान शहीद होते हैं, उनको क्यों नहीं बचा लेते? ये सब एक तुक्के का विज्ञान होता है, लग गया तो लग गया, नहीं तो आपने उनकी बात ठीक से अमल नहीं की। खैर, एक और बोनस फैक्ट है कि ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो गया। ये फैक्ट मैं आपको पहले नहीं बता सकता था, नहीं तो आप बीच में से ही खिसक लेते। खैर, आज के लिए बस इतना ही, ये तो मैं अपना वॉच टाइम बढ़ा रहा था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप लोगों की शिकायत आ रही है कि आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करो यार और शेयर भी करो। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।